सभी लोगों का स्वागत है बच्चों। आज हम लोग लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी? तो बेसिक डिफिनेशन क्या है? लीनियर मोमेंटम इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच गिव्स द आइडिया अबाउट द मोशन कंटेनिंग द बॉडी। इसमें कितना मोशन है, इसमें कितना मोशन है, मोशन का भी इसमें कितना फोर्स लगेगा उसको एक सेकंड में चलाने के लिए या एक सेकंड में रोकने के लिए। आइए शुरू करते हैं इसकी डिफिनेशन। मोमेंटम ऑफ बॉडी इज क्वालिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। इसी बॉडी में कितना मोशन है इस बारे में बताता है। इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी और इतना इसको पढ़ना जरूरी है, उससे इसको समझना जरूरी है। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम क्या होता है? अगर मान लीजिए यहाँ पर जो एग्जांपल दे रहा हूँ, ये है कैट, ये है रैट, इधर इसका मास लिख रहे हैं, इधर इसकी वेलोसिटी लिख रहे हैं। कैट का मास है 3 kg, रैट का मास है 0.5 kg, बड़ा बड़ा है, और इसकी वेलोसिटी है 3 meter per second और इसकी वेलोसिटी है 6 meter per second। आप देख रहे हैं, अगर आपसे पूछे, आपसे पूछा जाए कौन फास्ट चल रहा है, आप कहेंगे सर ऑब्वियसली रैट फास्ट चल रहा है क्योंकि इसकी वेलोसिटी है वो 6 meter per second है, और कैट स्लो चल रहा है क्योंकि इसकी वेलोसिटी 3 meter per second है। तो सीधी सीधी बात है कि रैट फास्ट चल रहा है। अगर हम कहें इसमें मोशन ज्यादा है, मोशन किसमें ज्यादा है? मोशन जानने के लिए आपको एक और क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। अब आपको मोमेंटम निकालना होगा, तो मोमेंटम कितना है तो उसको मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 9 kg/s आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 है, ये 0.5 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 kg/s। आप देख रहे हैं रेड भले ही तेज चल रहा था क्योंकि इसमें मोशन कम है, इसके इसमें मोशन 3 kg/s है, जबकि फैट में जो मोशन है वो 9 kg/s है। तो काफी डिफरेंस है, 3 गुना ज्यादा फैट में मोमेंटम। मोमेंटम से कैसे आने वाला है कि अगर हम दोनों बॉडी को रोकने के लिए फोर्स लगाएं और हम चाह रहे हो कि एक सेकंड में रुक जाए, तो कैट में इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, रेड में इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, कैट में उसको 3 गुना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बिकॉज दैट हैज अ ग्रेटर मोशन। तो मोशन का मतलब फोर्स से है, और जिसमें मोमेंटम ज्यादा होता है उसमें मोशन ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आपको आइडिया लग गया होगा यहाँ पे इस एग्जाम्पल के थ्रू कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम प्रेजेंस यहां फोर्स से होता है, तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी इट डायरेक्शन इज नेम एज the direction of velocity of object, या velocity of body। इधर velocity की direction होती है, वही आपकी p की direction भी होती है, same velocity की direction होती है। In SI unit of
ये मोमेंटम है केजी मीटर प्रति सेकंड एंड डायमेंशनल फॉर्मूला मास के लिए एम, वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी। और अगर हमने कहा मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम टी बराबर एम वी, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लिकेशन, सिंपल। लेकिन अभी आपको केवल इतने से जानने की छूटने वाली, और जैसा कि आप लोगों ने लास्ट में चैप्टर पढ़ा हुआ वेक्टर, उसको वेक्टर को समझना ही पड़ेगा आपको। वेक्टर समझना आपकी मजबूरी है। यहाँ पर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो आप समझेंगे समझेंगे, साथ साथ आपको डायरेक्शन के बारे में भी अच्छे से समझना पड़ेगा। यहाँ पर मोमेंटम का आप देख रहे हो, मोमेंटम किन किन बातों पर डिपेंड करता है, मास पर और वेलोसिटी पर। तो इनके बीच में म्यूचुअल रिलेशन क्या है, तो इसको आप समझेंगे। टॉपिक आप रहेगा, डाल रहा हूँ इसको, टॉपिक आप रहेगा ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में केस नंबर वन। केस टू क्या है, इफ दो के जी का था, तीन के जी का है, चार के जी का है, तो क्लियर है कि अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है देन पी जल्दी वी, तो हम जानते हैं कि P इक्वल टू एम वी होता है। अगर मास कांस्टेंट है तो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसको मैं आप ग्राफिकली दिखाना चाहें, इसको अगर आप ग्राफिकली दिखाना चाहें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वेलोसिटी है, ये मोमेंटम है, और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको मोमेंटम भी बढ़ता जाएगा। ये समझ आना चाहिए आपको। केस नंबर दो डिस्कस किया था, पहला केस क्या कर रहा है, डिस्कस करा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मास प्रोपोर्शनल हो जाएगी। जैसे ये बताई गई हूँ कि यहाँ मास है कांस्टेंट है, सेम मास है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे इसका मोमेंटम या उस पर फोर्स लगने का जो असर है ये भी आपको बढ़ता जाएगा। दूसरा केस, अब ठीक है वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास अलग अलग है, कई सारी बॉडीज है, यहाँ क्या था मास एक था, बॉडी एक ही थी, वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट थी, तो पी बराबर एम वी, और अगर वी कॉन्स्टेंट हो गया पी इक्वल एम, ये ध्यान देना चाहिए आपको। यहाँ मास दिखा रहा हूँ डिफरेंट बॉडीज को, यहाँ मोमेंटम और ये स्टेट वेक्टर, ये ध्यान देना चाहिए। अंतिम केस, थर्ड केस, सेकंड केस आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर 2 मीटर पर सेकंड ही वेलोसिटी है उस बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा, है ना। और अगर मास कांस्टेंट है, सेम बॉडी है, तो जैसे जैसे उसको हम वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे तो मोमेंटम भी बढ़ता जाएगा। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी आपको। तीसरा केस, मोमेंटम सेम इक्वल मोमेंटम है सारे बॉडीज के, देन ये पी बराबर एम वी इज इंप्लाइज बाय एम इनटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। क्या मतलब हुआ, अगर मोमेंटम सेम रहना है तो अगर मास
ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी ज्यादा है तो मास कम हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन है इधर, इधर आप मास दिखा रहे हैं, इधर वेलोसिटी दिखा रहे हैं, और ये इनवर्स रिलेशन है। जब मास ज्यादा तो वेलोसिटी कम, और मास कम वेलोसिटी ज्यादा। ये आपको दिख गया होगा, ये रिलेशन आपको समझने के लिए, जानने के लिए आपको बताया गया, और इसको समझिए भी, देखिए भी, जानिए भी, और इसको अंडरस्टैंडिंग लेवल पर भी अपने आप जरूर रखिए। तो बच्चों जहाँ जो समस्या है जरूर पूछें, जरूर देखें। हमने इतनी बात की, अब कमेंट करने की बारी आपकी।